गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं लाइन अरविंद कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं जो जानकारी आपके पास लेके आया हूं वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल से रिलेटेड है और क्लास 11 के एग्जाम से रिलेटेड है। आप लोग सभी को ही बहुत बेसब्री से, जो क्लास 11 के बच्चे हैं वो अपने एग्जामिनेशन का वेट कर रहे थे। तो देखिए, आज एग्जाम का डेट भी फाइनली आ चुका है, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल और 19 अप्रैल, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। ये 3 दिन में आपके एग्जाम्स आ करके चले भी जाएंगे, यानी कि बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको एग्जाम देना है, एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि इस साल किस तरीके के एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, पता नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा या सब्जेक्टिव टाइप आएगा। तो यहाँ पे इस नोटिस के हिसाब से ये चीज क्लियर है कि प्रत्येक विषय से, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट से 40 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन रहेंगे, और 10 मार्क्स आपको स्कूल के लेवल पे दिए जाएंगे, यानी कि इंटरनल असेसमेंट, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, बायो हो, मैथ्स हो, सभी पेपर में एक एक नंबर वाले 40 प्रश्न रहेंगे, और बाकी का 10 नंबर जो है वो आपके स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल से दिया जाएगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। गुड विशेस, आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए। आप देख सकते हैं 3 से 3 दिन में दो दो सिटिंग करके एग्जामिनेशन आपके फिनिश हो जाएंगे, ताकि आपको क्लास 12th का जो एग्जामिनेशन है वो आप अच्छे से तैयारी कर सकिए और बेहतर तरीके से पढ़िए। देखिए, आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो 18 तारीख को फर्स्ट पार्ट में है, फर्स्ट सिटिंग में है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो आर्ट्स वाले, ये सेकंड सिटिंग में है। तो साइंस का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसे बायोलॉजी है और मैथ्स अगर है किसी का, तो 19 तारीख को ये कंप्लीट है। कोर पेपर जो है आपका वो इंग्लिश का है या फिर हिंदी का है, वो 17 तारीख को कंप्लीट है। तो 17, 18, 19 यहाँ पर जिस हिसाब से लिस्ट है उसके हिसाब से आपके साइंस के जो बच्चे हैं उनका फर्स्ट सिटिंग में ही एग्जाम है 3ों दिन, और उसी में आपका पेपर कंप्लीट हो जा रहा है। वहीं जो आर्ट्स पेपर के बच्चे हैं उनका सेकंड सिटिंग में एग्जाम है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में उसी हिसाब से जाइएगा, और इस बार एडमिट कार्ड्स भी हैं जो आपको मिलेंगे। तो बेहतर तरीके से एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। थैंक यू।